कहा केचप। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोगों की फरमाइश पर झटपट हम जबरदस्त सा टोमेटो केचप बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें हमारे पास यहाँ खूबसूरत खूबसूरत 4 पाउंड यानी 2 किलो के आसपास टमाटर है। आप अपनी पसंद से कोई भी टमाटर ले सकते हैं जिसकी स्किन जो है हार्ड ना हो, ताकि गलने में अच्छा रहे, और फ्रेश होगा तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो चले अब इसको हम काटना शुरू करते हैं। कोई ख़ास ऐसा वे नहीं है काटने का, बस जिस तरह से भी काट के और डालना ही है, क्योंकि इसे तो पक ही जाना है। बस ये याद रखिएगा कि अच्छे क्वालिटी के टमाटर होने चाहिए, ये नहीं कि भाई हमें तो पका ही देना है। अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो अच्छा टेस्ट भी आएगा और शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा रहेगी। और अगर आप चाहें तो कैन टमाटरों से भी आप बना सकते हैं ये, लेकिन फ्रेश का एक अपना मज़ा है, लेकिन डेफिनेटली बना सकते हैं। चलें अब हम इसको अपने पॉट में डाल देते हैं और कंटिन्यू करते हैं काटना। कोशिश करिएगा कि थोड़ा गहरा पॉट लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि मैस ना हो। तो बस इसी तरह कंटिन्यू करते हैं और डालते जाते हैं, है ना फन। और मज़े की बात यह है कि हम अपनी पसंद से इसका फ्लेवर भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा हमारा दिल चाह रहा है। चाहे तो स्पाइसी बना ले, चाहे तो किसी किस्म का फ्लेवर अपनी तरफ से भी डाला जा सकता है। कितनी रिक्वेस्ट आ रही थी, कितने अरसे से कह रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि अच्छे से टमाटो आए तो फिर मैं आपको बताऊँ। चले ये हमारा लास्ट भी हो गया। देखिए कैसे खूबसूरत खूबसूरत टमाटोस, कलर देख के मुझे तो टमाटो पसंद भी बहुत ज़्यादा है। चलें आप क्या करते हैं, इसको रखते हैं हमारे चूल्हे पे और फ्लेम ऑन करते हैं। रखते हैं हम इसको मीडियम लो पे, और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप आड़ी टेढ़ी कटी हुई प्याज, 6-7 लाल वाली फ्रेश मिर्चें और 4 बड़ी बड़ी लहसुन की कलियाँ। तो ये चला गया, और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब टमाटोस का पानी जो रिलीज़ होगा उसी में टमाटो गल जाएंगे, पक जाएंगे, मज़ेदार हो जाएंगे। तो बस इसको अब कवर कर देते हैं और पकाते हैं 1 घंटे के लिए। तो चले मिलते हैं 1 घंटे में। देखिए 1 घंटा हो गया, और अब खोल के देखते हैं कि क्या हाल है। देखिए हशर नशर हो गया टमाटर का, और अब करते हैं हम चूल्हे को बंद और इसको उतारते हैं। अब अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तब आप इसको ठंडा होने का वेट करेंगे, और जब ठंडा हो जाएगा तो किसी भी ब्लेंडर में ग्राइंडर में डाल के और उसको स्मूथ कर लेना है। अब चूंकि मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो मैं इसमें डायरेक्ट कर लेती हूँ। देखिए टमाटरों का हलीम बन रहा है, लग रहा है हलीम को भी इसी तरह करते हैं ना, इतना ही गर्म होता है और कर रहे होते हैं। इतना कर लेना है कि स्मूथ टाइप का हो जाए, मैक्सिमम कर लेना है। चलें बड़ा अच्छा सा हो गया, देखने में बड़ा फनी सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था टमाटर का समंदर ठाठे मार रहा है। और अब इसको हम छानेंगे। तो ये देखें हमारे पास एक बोल है और एक छन्नी रखी हुई है, तो ये डालेंगे और छानते जाएंगे। बस अब ये जो चीज़ है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। चल बस कंटिन्यू करते हैं इसी तरह सारा कर लेंगे, और बीज और छिलके जो भी, देखिए हमने इतना गला लिया है इसको कि छिलके तो बेचारे दिख भी नहीं रहे हैं।
तो अगर छिलके नजर आ रहे हो तो छिलके ये जो भी छन्नी में आए उसे डिस्कार्ड कर देना है। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पतीला धो ले या दूसरा ले ले या पोंछ ले। तो मैं पोंछ लेती हूँ, ठीक है। ये हमारा क्लीन क्लीन हो गया, इसमें कोई छिलका नहीं है, कोई सीड नहीं है। और इसको अब रखते हैं दोबारा चूल्हे पे, और ये जो हमने प्यूरी बनाया है ये भी अंदर जाएगा। चले, और अब डालेंगे इसमें, चूल्हे को हम ऑन करेंगे, मीडियम लो पे रखा हुआ है हमने, और इस पर डालेंगे 1 1/4 कप यानी 1 कप और 4 टेबलस्पून सिरका, प्लेन सिरका है। एक बादियान, इससे एक फ्लेवर अच्छा सा आएगा। 1.5 टेबलस्पून नमक और 1 कप शक्कर। शक्कर और सिरका जो है वो प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे काम आता है, फ्लेवर के अलावा प्रिजर्व भी करता है, शेल्फ लाइफ उसकी अच्छी हो जाती है। चलें, अब ये चम्मच से हम हिला लेते हैं। बस इसको हमने हिला दिया अच्छे से जब तक के चीनी घुल ना जाए, और इसको मीडियम लो पे हमने रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा चम्मच चला देंगे और आधा घंटे तक अराउंड हमारी पसंद की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कितनी चाहिए और कैसा लगेगा। तो बस इसको अभी थोड़ा सा लो और मीडियम लो के दरमियान रख देते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि बर्तन गहरा हो, क्योंकि ये जो कंसिस्टेंसी है ना वो गीली टाइप की है ना, और वो पकती है तब चूल्हा काफ़ी मैस होता है या आप भी जल सकते हैं। थोड़ा सा गहरा बर्तन ले लें। आपको पता है कैचअप किस तरह से इन्वेंट हुआ? ये जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, उससे भी एक इजी वे था। जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, इजी मज़ेदार, तो एक इजी वे ये है कि एक जो थी वो ममा टमाटो थी, ये री ममा टमाटो, और एक जो था बेबी टमाटो था। एक मरतबा स्कूल जा रहे थे, अब ममा आगे आगे जा रही थी, अब बेबी पीछे पीछे आ रहा था। ममा कह रही थी, अरे भाई कितनी देर लगाओगे, आ भी चुको। अब वो बेबी टमाटो बेचारा तेज़ तेज़ चलने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहा था। फिर मम्मा को गुस्सा आ गया, मम्मा ने कहा ये तो आ ही नहीं रहा है, सिर्फ कह ही रहा है। और मम्मा ने दिया एक पंच, कहा केचप, तो ये तो केचप ही बन गया। है तो ज़बरदस्त बेचारा बेबी टमाटो। देखिए 20 मिनट के आसपास हो गए, और जब आपको लगे ना कि इसमें से फट 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 आपका किचन गंदा होना शुरू हो रहा है, तब समझे कि आपका केचप ऑलमोस्ट बन ही गया है। ये देखे तो आप दूर रखना होगा हाथ, और ये अचानक से बीच में से पटक पटक पटक, वो नहीं फायर क्रैकर्स जैसे होते हैं, इस तरह से आएगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको, चेक करने का तरीका ये है कि हम एक बूंद लेंगे, ये यहाँ डालेंगे एक शीशे की प्लेट में, और चेक करेंगे। ये देखें, ये पानी नीचे आ गया और ये केचप भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि पानी आना तो बिल्कुल ही गलत है और कौन सी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मिलते हैं 10-15 मिनट में। देखिए कैसा लग रहा है, जैसे वोल्केनो इरप्ट हो रहा है। अब उस पॉइंट पर जब पड़ 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 बहुत हो रहा है, तब आपको लगातार चम्मच चलाना है, हल्के हल्के हाथों दूर रह के चलाएं। और ये मैं आपको बताती हूँ कंसिस्टेंसी कैसी लग रही है। देखें, हम लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ एक कतरा डाला, और अब इसमें मैं एक उंगली से लाइन खींच रही हूँ। ये देखें, ये लाइन खींचने के बाद ये दोनों जो है आपस में जोड़ नहीं रहे हैं, सेपरेट है, अब बीच में लाइन है। और ये जो उंगली जिससे आपने चेक किया है वो बेसिकली टेस्टिंग के लिए। इट्स यमी, थोड़ा सा गर्म है, मिलते हैं ठंडा होने पे और फिर डालेंगे बॉटल में। देखें हमारा केचप जो है वो ठंडा हो गया, तो अब इसको हम बॉटल में भरने की तैयारी करते हैं। ये देखें, हमने जिप लॉक बैग जो है एक खोल के एक बर्तन में डाल दिए, और इसमें हम केचप डालेंगे ताकि हम इजीली बॉटल में भर सकें। देखिए कितना खूबसूरत है हमारा केचप,
अब बाजार से डेफिनेटली ज़्यादा यमियर। और अगर आपके पास ज़िपलॉक बैग नहीं है या आपको ये तरीका नहीं रखना है, तब आप किसी जार में भी भर सकते हैं, और अगर बॉटल में भरना है तब वो फनल होता है ना, फनल के ज़रिए भी भर सकते हैं। चले अब इसे हम बोतल में भर लेते हैं। यहाँ देखें हमारे पास एक ग्लास की क्लीन बॉटल है। कहते हैं कि भाई जो चीज़ जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता उसको प्लास्टिक कंटेनर में डालते हैं या बॉटल में, तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको जल्दी यूज़ कर लेना हो तो प्लास्टिक में भी डाल सकते हैं, वरना शीशे में डाल दीजिएगा। तो चले इसको पकड़ते हैं। जैसे जलेबियों का आमेज़ा के लिए कैसा होता है, तो ये देखें यहाँ से काटेंगे, थोड़ा नीचे कर लेंगे और थोड़ा सा काट लेंगे इसको। चले आप डालना शुरू करते हैं। कितना इजीली जा रहा है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा होल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मुझे क्या फीलिंग आ रही है कि मैं काव में से मिल्क निकाल रही हूँ। देखें ऑलमोस्ट पूरा ही हमने ख़त्म कर दिया, और आप ढक्कन ढकते। चले हमारी गर्मा गर्म फ्राइज़ भी रेडी हो गई। आए ये क्या किया, मामा टमाटो और बेबी टमाटो, आपने मेरा केचप निकाल दिया। अरे शायद मेरे लिए निकाल के रखा है, आपका तो केचप ही बन गया था, आप यहाँ कहाँ से आ गए। चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ फ्राइज से ज़्यादा बेटर चीज़ क्या होगी केचप में ट्राई करने के लिए। बेटर देन हाइंस, बिलीव मी, इसमें एक चटखारा है। ये आप लोगों के लिए। अब आप लोग इसको शीशे की बोतल में रखें और 3 वीक तक आराम से फ्रिज में ये ज़बरदस्त तरीके से रह सकता है। प्लास्टिक में रखेंगे तो इतनी शेल्फ लाइफ नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप रख सकते हैं। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।